ऐसे में दीपक चकलानी जी की अगर बात करें तो काफी लंबे समय से जुड़े हैं, एक्टिव रहे हैं व्यापारियों के लिए, उन्होंने कोरोना के समय में काफी भागदौड़ की और जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत जो है नागरिकों को और व्यापारियों को पहुंचाई। अब जो है खबर जिस तरीके से आपने सुनी होगी सोशल मीडिया से भी कि भारतीय जनता पार्टी में जो है प्रवेश किया है दीपक चकलानी जी ने, जो कि पहले से ही थे लेकिन राष्ट्रवादी में आने के बाद फिर से इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। दीपक जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह कि जब भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े थे, आपसे हम जुड़े थे, जब आप राष्ट्रवादी में रहे हम आपसे जुड़े रहे, अब आप जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं, अब भी हम आपसे जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोच और विचार की धारा यहां पर जो है लोगों को भ्रमित करती है कि काफी अच्छे कार्य किए थे आपने जो है यूटीए में रहकर, राष्ट्रवादी में रहकर, कालानी परिवार के साथ रहकर, जो राहत लोगों को नहीं दिला पा रही थी दूसरी पार्टियां, वो राहत आप लेके आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पार्टी को छोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी में आना, जो चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिल पाई, वो नाराजगी है या फिर क्या चीजों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर से रुख किया गया है? कुणाल जी, सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया ही नहीं था, न ही मैंने टीम होमी कालानी में कोई पद लिया था। जब ही 2009 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ी तो उसका छोड़ने का जो कारण यह था कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और उसके बाद मैंने 5 साल तक ऐसा निर्णय लिया था कि मैं अपने परिवार पे ध्यान दूंगा, अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा। 2014 में मैं अपनी बाजार का, जिसको अमन शॉपकीपर एसोसिएशन बोलते हैं, उसका मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद 2016 में जब यूटीए बनने जा रही थी, तभी मेरे मित्र अजीत माखीजानी जी, जो होमी कालानी जी के पार्टनर भी हैं और दोस्त भी हैं, उनकी तरफ से मुझे अप्रोच किया गया था कि ये व्यापारी संगठन है और टीम होमी कालानी बन के 10 दिन हुए थे, और टीम होमी कालानी तभी नॉन पॉलिटिकल संगठन था, किसी पार्टी से वो जुड़ा हुआ नहीं था, और टीम होमी कालानी आगे चलकर भाजपा में ही शामिल हो गई, तो मेरे लिए कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला तकलीफ आया ही नहीं उस समय। और मैंने होमी कालानी जी को पहले ही बोला था कि मैं कोई भी पद टीओके में नहीं लूँगा। बाद में उन्होंने जब एनसीपी में प्रवेश किया तभी भी मैंने कोई पॉलिटिकल पद न उनसे मांगा, न ही मैंने कभी स्वीकार किया, और ये बात हमारी पहले ही हो चुकी थी। बात आती है कि टिकट की, ऐसी कोई बात नहीं है कि टिकट का कोई इशू था। मेरे पिताजी भाजपा के नगर सेवक रह चुके थे, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी जब भी चालू करूँ, ये तो चुनाव लेट हो गए, लेकिन मैंने ये डिसीजन तो 30 जनवरी को ही ले लिया था कि मैं वापस अपनी पार्टी में जाऊंगा, जहां पर मेरे पिताजी नगर सेवक थे। मैंने कल बात बताई है कि आरएसएस का जो पहला पॉलिटिकल संगठन जो बना था, उसका नाम जनसंघ था, उसकी निशानी दीपक थी, इसके लिए मेरा नाम दीपक है, मेरे पिताजी ने मेरा नाम दीपक इसके लिए रखा था। तो इतनी पुराने हम लोग जुड़े हुए हैं, और आपको बताऊँगा तो आपको बहुत हैरानी होगी कि 12 साल की उम्र में 1985 में मैंने आमदार चुनाव में रिक्शा में प्रचार किया है, 12 साल की उम्र में। पार्टी में वापस जाने का कारण खाली यही था कि मैं पॉलिटिकल जो शुरुआत करना चाहता था, मैं अपने पिताजी के पार्टी से करना चाहता था। मुझे कोरोना काल में जो मैंने मेहनत की, मुझे होमी कालानी जी का पूरा सहयोग मिला, मैंने जो भी काम किया उसमें उनका हिस्सा था बराबर का, और कभी कभी तो मुझे क्रेडिट दे देते थे, और उसमें कोई हमारा ऐसा कोई बात नहीं हुई कि ऐसा कोई गलत फहमी हो गई या मैं टिकट की वजह से नाराज हुआ। बहुत छोटी बातें हैं, आज तक मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी कोई मांग रखी नहीं है आज तक। दीपक चचलानी जी, जिस तरीके से आप व्यापारी संगठन से जुड़े हैं, आज भी व्यापारी संगठन के आप जो है नेतृत्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी भ्रमित होते हैं जब इस तरीके का बदलाव आता है। जब अंदरूनी बात जब हम बात करते हैं व्यापारियों से मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिलता कि वो स्थिर रहे, कि एक जगह पर रहे, हर बार जो है मफलर बदलना पड़ता है, तस्वीरें बदलनी पड़ती है। तो ये जो सोच लेकर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, तो आने वाले चुनाव में जो है सिरकश्त करेंगे, और जो व्यापारी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाराज़ हैं क्योंकि बदलाव से नाराज़गी होती है, परेशानी होती है, तो क्या उसके लिए कहेंगे? कुणाल जी, मेरे साथ जो जुड़े हुए व्यापारी हैं और जिन्होंने मेरा काम देखा है और रिजल्ट देने की जो क्षमता देखी है, वो बहुत खुश हैं कि मैंने एक डिसीजन लिया है। और बहुत से तो ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे समर्थक हैं जो पिताजी के टाइम से हमारे से जुड़े हुए हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है कि दीपक जी का प्रवेश भाजपा में हुआ है। मैंने कोई पार्टी बदल कर मैं आया ही नहीं था,
मैं तो पहले से ही भाजपा में था, मैंने 2014 तक मेरा ये था कि मैं 5 साल कुछ नहीं करूँगा। और व्यापारी संगठन की बात करूँ तो मैं 2014 में पहली बार ही अध्यक्ष बना अपने बाजार का। 2016 में यूटीए बनी और यूटीए में मैं पहले महासचिव था। मुझे कार्याध्यक्ष का जो पद मिला वो मिला मुझे 2019 में। 2019 से लेकर 2022 तक जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरे में ताकत थी, मैंने काम किया। बहुत सी व्यापारी संगठन हमने नए जोड़े और ख़ास करके कोरोना काल में व्यापारियों को एक उम्मीद थी कि यूटीए कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी। जितना हो सकता था हमने व्यापारियों के लिए किया। और व्यापारी संगठन एक अलग विषय है और पॉलिटिकल पार्टी एक अलग विषय है। मैं वही आपको वापस बोल रहा हूँ, जब मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की या इलेक्शन लड़ने की शुरुआत करना चाहता था तो मैं सिर्फ भाजपा से करना चाहता था, क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था, मेरे पिताजी वहाँ से थे। बस मेरी अपनी घर वापसी हुई अपनी पार्टी में। आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से चर्चा थी, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि वहाँ से टिकट ना मिलने की नाराज़गी रही, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर टिकट नहीं होती है तो अपक्ष लड़ेंगे इस चुनाव में, शिरकत करेंगे? कुणाल जी, खुद पप्पू कलानी साहब ने मुझे टिकट का एश्योरेंस दिया था, उमी भाई ने एश्योरेंस दिया था। कोई ऐसी बात ही नहीं है कि टिकट की वजह से मेरी नाराज़गी हुई। कुछ पेन पार के इशू पर कुछ बातें हुई और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करूं तो उनको कम से कम बता के करूं कि मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। मैंने 30 जनवरी को यूटीए छोड़ा और 30 मार्च को बीजेपी ज्वाइन की। ऐसे नहीं मैंने आज छोड़ा और कल ज्वाइन कर लिया। शिकस्त करेंगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में जरूर शिकस्त करूंगा। भाजपा ने मुझे टिकट का तो एश्योरेंस दिया ही है और मैंने ऐसे बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बढ़ाने में बहुत मेहनत करूंगा। पहले मैं भी बीजेपी युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं। सबसे ज़्यादा युवा मोर्चा में अगर लोग कभी जुड़े थे तो आप पूछ सकते हो, 2004 से 7 तक जो बीजेपी युवा मोर्चा था, जितना संगठन था हमारा, वो बहुत ज़बरदस्त था। अभी मोदी जी के नेतृत्व में तो बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी आज भी भाजपा है। देखा जाए तो शहर में भी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। मैं सिर्फ और उनको उसको मजबूती देने की कोशिश करूंगा और पार्टी मुझे जरूर टिकट देगी और मुझे ऐसे लगता है मुझे क्या, मेरे समर्थकों को भी टिकट देगी। धन्यवाद।